ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। आपको सबसे पहले दी हुई है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 2 लाख, 2,50 और 3 लाख। फर्स्ट ईयर तक आपने 2 लाख का खर्चा कर दिया है, सेकंड ईयर तक आपने टोटल मिलाकर 2.5 लाख का खर्चा कर दिया है। ध्यान रखना, टोटल 2.5 लाख का मतलब हो गया 2 लाख तो पहले के इंक्लूड है और 50,000 हमने और किए होंगे। और टिल डेट वाई थ्री तक हमने टोटल खर्चा कर दिया है कितने का, 3 लाख का। कॉस्ट टू बी इनकर्ड, लाख, और डैश। ये कॉस्ट हमें और इनकर्ड करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको एक साथ दे रखी है 4 लाख रुपए। बस इनिशियल एक रेवेन्यू डिसाइड हुई और वही हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रहेगी। कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज। सॉल्यूशन, अब देखिएगा स्टेप वन कैसे अप्लाई करोगे। ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, सबसे पहले कॉस्ट टिल डेट 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। अगर इसमें मैं कॉस्ट टू बी इनकर्ड जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख, 2 लाख। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। 2 लाख की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3 लाख की टोटल कॉस्ट इंटू 100, बताइए कितना आ गया।
निकालना कितना परसेंटेज आया, 66.67। ठीक है, अब आइए सेकंड ईयर पर। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 2.5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 3 लाख इंटू 100, बताओ कितना आया। यहां पर हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये लो, ये तो हमारे पास स्टेप बना गई। बताओ क्लियर है स्टेप वन। पहले साल तक हमारा 66.67% काम कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे साल तक टोटल मिलाकर 83.33। अब समझना, ये जो सेकंड ईयर में 83.33 है, ये टोटल काम कंप्लीट हुआ है, यानी जिसमें हमारा ये फर्स्ट ईयर का 66.67 भी इंक्लूड है। क्योंकि हमने जो लिया है ना, वो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट लिया है, तो सोच के देखो, अगर मैंने टिल डेट तक 2.5 लाख का खर्चा लिया है, तो उसमें ये 2 लाख तो इंक्लूड हो गई होगा, तो इसका मतलब ये जो 83.33% आया, ये क्यूमुलेटिव आया है, यानी मैं इसको ऐसे इंटरप्रिटेशन में ले सकता हूं कि सेकेंड ईयर के एंड तक मिलाकर मेरा टोटल काम 83.33% कंप्लीट हो गया है। स्टेप टू, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। इनिशियल रेवेन्यू, क्योंकि एक ही रेवेन्यू है, यहां पर ना तो कोई वेरिएशन है ना और कोई भी इनकम है, तो आपकी रेवेन्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 लाख रुपए, बस एक ही रेवेन्यू आ जाएगी 4 लाख। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे स्टेप थ्री में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, यस देखिएगा, सबसे पहले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू कैसे निकलती है, देखो ईयर वन की रेवेन्यू है 4 लाख और ईयर वन में हमने 66.67% काम कंप्लीट किया है, तो रेवेन्यू बुक करूंगा 4 लाख इंटू 66.67%, बताओ कितना आ गया। टू सिक्सटी सिक्स सिक्स एट्टी, आओ इधर रेवेन्यू कितनी बुक होगी, एट्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट
सॉरी ये लीजिए, ये तो मेरी रेवेन्यू बुक हो गई। क्लियर? बिल्कुल। अब इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड, यहां तक मैंने जो खर्चा किया है वो 2 लाख किया है, यहां तक जो खर्चा किया है वो 2.5 लाख किया है, और यहां तक जो खर्चा किया है वो 3 लाख किया है। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, तो इससे मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो भी टिल डेट का आएगा। प्रॉफिट टिल डेट 66,680, इधर 323,320 माइनस 2.5 लाख 83, अब मेरी बात सुनना, मुझे तो हर साल का प्रॉफिट निकालना है, जबकि ये जो प्रॉफिट आया वो टिल डेट आया, तो इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड डैश, इसमें पिछले साल का प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, और यहां पर पिछले 2 सालों का टोटल प्रॉफिट इतना रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, तो ये मेरे पास प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आएगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? ये टोटल 2 सालों का प्रॉफिट है 83,320। अगर 2 सालों के टोटल प्रॉफिट में से पहले साल का प्रॉफिट हटा दूंगा तो रिमेनिंग जो बचेगा वो केवल और केवल दूसरे साल का आ जाएगा 16,640। लोग आया अब ये पॉइंट समझ में? किस तरह से हमारे पास अभी एक और क्वेश्चन देता हूं, वो आप करना, इस तरह से ही निकालना, लिखो एक्सेल।
कॉस्ट टू बी इनकर्ड। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। निकालो कृष्णा फटाफट से, 5 मिनट है आपके पास, इसको पूरा सॉल्व करो, फिर हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बताओ स्टेज ऑफ कंप्लीशन यानी परसेंटेज क्या आ रहा है आपका। सेकेंड ईयर में 57 और थर्ड ईयर में तो हमारे पास आ गया 100%। अब बनाओ रेवेन्यू तो 5 लाख ही हो गई, प्रॉफिट निकाल लो।
आगे के आंसर कहाँ हो गया, कितना कितना आया प्रॉफिट बताओ। सिक्स फोर ठीक है। ठीक है एक और एग्जांपल, अब इसमें रेवेन्यू को भी चेंज करेंगे अपन, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री। कॉस्ट टिल डेट 1.50, दो पचहत्तर, कॉस्ट टू बी इनकर्ड 70,000, सॉरी 1,70,000, फिर 1,00,000 और डैश। इनिशियल रेवेन्यू चार लाख रहेगी आपकी, और पेनल्टी 10,000 है। ये अब आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें अब हमें स्टेप टू यानी रेवेन्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ईयर वन कॉस्ट इनकर्ड है 150 डिवाइडेड बाय तीन बीस इंटू सौ, इंटू सौ, और ईयर थ्री में आपके पास 46.875%. अब रेवेन्यू निकालेंगे, ईयर वन सबसे पहले मुझे बताओ इनिशियल रेवेन्यू थी 4 लाख, प्लस वेरिएशन आ गया आपके पास 40,000, तो वो दोनों में जुड़ जाएगा और पेनल्टी दस हजार ये लीजिए, ये हमारे पास तीनों साल की अलग अलग क्या आ गई, रेवेन्यू कैलकुलेट हो गई। बोलो क्लियर यहां तक। अब अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो देखो सबसे पहले अब अपन रेवेन्यू बुक करेंगे, देखो पहले साल हमारी रेवेन्यू है 4 लाख और परसेंटेज है 46.857%, तो यानी 4 लाख इंटू 46.875%, 187,500। दूसरे साल 4,40,000 इंटू 66.67%, ये आ गया 293,348, और यहां 4,30,000 आ जाएगी क्योंकि 4,30,000 इंटू 100% करोगे। अब माइनस करेंगे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, टिल डेट की कॉस्ट है 1.5 लाख, 2 लाख और 2,75। डेढ़ लाख, 2 लाख और 2,75।
तो आपके पास प्रॉफिट टिल डेट आ जाएगा 187,500 माइनस 50, टू 93,348 माइनस 2 लाख, और प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ₹37,500 आ गया ये प्रॉफिट आपका, 93,348 माइनस 55,848 और 155 माइनस 93 अब बोलो यहां तक क्लियर है सारी बात नहीं अभी, या यहां मैं आपको कोई पॉइंट पूछना है तो बताओ। ठीक है, कल इसमें दो छोटी छोटी बातें और हैं अपने पास, देन कल अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मॉड्यूल स्कैनर में एग्जैक्टली जितने मैंने एग्जांपल करवाए बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे पास है, तो कल परसों में हमारा ये एएसबी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने एक बड़े चैप्टर पर चलेंगे जो आता ही आता है आपके एग्जाम में, विच इज एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।